आज हम बनाएंगे तहारी गोश्त की। ये हमने आधा किलो गोश्त लिए हैं और उसमें हमने दो बड़ी प्याज लिए और दो टमाटर है मीडियम साइज़ के और उसमें हमने चार पांच हरी मिर्चें लिए हैं और ये नमक है और इसमें तेज़पत्ता है, शाहजीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची छोटी बड़ी और ये फूल है। ये सारा हम प्याज तलने के टाइम में उसमें डालेंगे और ये एक चिकन क्यूब्स का पैकेट है और हरा धनिया है और ये हाफ टी स्पून हमने हल्दी लिए है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और ये हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला लिए है और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इसको हम मोटा मोटा पीसेंगे और ये इसमें से हम थोड़ा सा उसमें बटर भी ऐड करेंगे और घी और तेल से हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे और ये हाफ के जी हमने इसमें राइस लिए, इसको हमने भिगो के रखे है हाफ आवर के लिए। अब हम बनाएंगे, इसमें तेल डाली हूँ मैंने 1 चम्मच, अब ये छोटा चम्मच हमने इसमें घी भी डाले क्योंकि इसमें बटर भी थोड़ा हम ऐड करेंगे बाद में। तेल और घी गरम हो गया है, अभी इसमें हम ये गरम मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज नरम होने तक हम अदरक लहसुन पीस के ले लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची जो पीसी थी साथ में और साथ में गोश्त भी ऐड करेंगे। अब ये गोश्त भून गया है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। टमाटर है, ये हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर अब इसको हम भूनेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसको हम गलाएंगे और फिर बाद में इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें डाला, ये अभी गोश्त गल के आया है, अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। अब इसमें हम ये चिकन क्यूब्स है वो एक डालेंगे इसमें और साथ में हरा धनिया। इसमें हम बटर भी ऐड करेंगे, बटर डालने से बहुत अच्छा बनता है ये। हम चावल ऐड करेंगे। ये 2 गिलास है, आधा किलो चावल है, इसको हमने भीगने रखे थे हाफ आवर से। अब से हम डालेंगे और पानी इसमें हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले ही गोश्त का भी पानी निकला हुआ है तो इसके लिए हमने इसमें 2 गिलास और पहले 1 गिलास डाले, 3 गिलास और चावल भीगे हुए इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसको हम ढक के रख देंगे कुक होने के लिए। अब हम इसको दम पर रखेंगे
और फिर सर्व करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस ऑफ करेंगे। ये रेडी हो गया हमारा तारी, बहुत अच्छी बनी है तारी। देखो बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और चावल भी अच्छे खिले खिले हैं इसमें। आप अपने हिसाब से अगर इसमें पानी ऐड करेंगे, चावल नया है जूना है वो आपको पता होगा, वो हिसाब से आप पानी इसमें ऐड करना है। अगर नया है तो इसमें पानी कम डालना है, तो आपके भी अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप भी ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सर्व कर दिए, आप भी ज़रूर बनाना।